Hello everyone. So today we'll discuss how to upload the file using NetBeans ID. Okay. तो कैसे हम upload करेंगे फाइल. Clear है? तो this is your practical number 3A. So same process. First of all, you have to click on file, new project, then Java web application, next, then name of the project. मैं अभी दे रहा हूँ प्रैक्टिकल 3A अपलोडिंग. सिर्फ अपलोडिंग के लिए मैं कर रही हूँ. फाइल प्रैक्टिकल 3A अपलोडिंग, देन नेक्स्ट, ग्लासबी सर्वर, नेक्स्ट, देन फिनिश. ओके, नाउ वेब पेज index.html. हमारा सेम प्रोसेस. फॉर्म मुझे क्या करना है कि एक फाइल पाथ बनाना है. जो फाइल नेम जो हम ब्राउज करेंगे ना, फाइल आना चाहिए. तो एक टाइप फाइल है HTML में, तो वो फील्ड हम इधर बनाएंगे. नोटपैड में मैंने लिखकर पहले से रखा है. तो फॉर्म का एक्शन हम लेंगे जहाँ पे जाएगा. इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जी मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा. ओके, देन इनपुट टाइप फाइल लेना पड़ेगा, ठीक है ना. एंड मेथड हमारा इधर पोस्ट होना जरूरी है. इतना आपको याद रखना पड़ेगा. इसमें देखो हमने क्या दिया. ओके, ये देखो इधर एनक्रिप्ट मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा मेथड पोस्ट सिलेक्ट फाइल टू अपलोड. जो फाइल आप टाइप फाइल दोगे ना, ऑटोमेटिकली ब्राउज वाला विंडो दिखा देगा. देन आईडी. इतना है, समझ में आया. तो अब मेरा इंडेक्स फाइल हो गया. सोर्स पैकेज सेम हमारा प्रोसेस. राइट क्लिक, न्यू जावा पैकेज, पैकेज का नाम कुछ भी आप दे सकते हो. मैं हमेशा दे रहा हूँ माई पैक. ओके, देन एंटर, देन राइट क्लिक. पहले तो हम ये करेंगे फाइल अपलोड सर्वलेट को मैं कॉपी कर देती हूँ. ओके, कंट्रोल सी एंड देन माई पैक, राइट क्लिक, न्यू, देन हमारा सर्वलेट, देन कंट्रोल बी, द नेम ऑफ द सर्वलेट, देन नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एड ऑन इन्फॉर्मेशन. करोगे तो web.xml में डिप्लॉयमेंट होकर डेटा जाएगा, तो इसलिए web.add-on-information क्लिक करना जरूरी है. देन फिनिश. ओके, इसके बाद हमारा सेम प्रोसेस रिक्वेस्ट को हम डू पोस्ट कर देंगे, बिकॉज हमें डू पोस्ट चाहिए. ओके, तो हम ये क्या करेंगे, प्रोसेस रिक्वेस्ट जो इधर दिया है ना, उसी को हम करेंगे डू पोस्ट. डू पोस्ट कर दिया. ये इजी मेथड है. ओके, देन हमने हमारा कोडिंग इधर हमें लिखना है. ऑलरेडी हमने सीख चुके हैं कि कहाँ पे कोडिंग करना है. ओके, इधर हमें कोडिंग करना है. ओके, ये दिस इज योर फाइल हैंडलिंग. फॉर द फाइल हैंडलिंग व्हाट पैकेज वी नीड, आईओ पैकेज. हमारा कोर जावा में था. देयर आर टू टाइप ऑफ फाइल स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. फाइल इनपुट स्ट्रीम जो रीड के लिए यूज होता है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो राइट के लिए यूज होता है. सेम प्रोसेस. जब तक हमारा रीड -1 नहीं होता है तब तक रीड होगा एंड डेटा उठा कर लेकर आएगा. एक फाइल हमारा पहले से बनकर रहेगा, उससे डेटा लाकर दूसरे फाइल में राइट करता है. दैट इज अपलोडिंग. समझ है ना. अपलोड में क्या होता है कि हमने जो फाइल, अभी मेरा जो फाइल है ना, उसको मुझे डालना है, अपलोड करना है और दूसरे जगह में डालना है. तो वही काम हम करेंगे इधर. पूरी प्रोसेस, ठीक है. हमारा क्या प्रोसेस है, पहले तो हमें एक स्ट्रिंग पाथ, कहाँ पे हमारा फाइल को अपलोड करना चाहते हो, एक फोल्डर हम बना देंगे. देन हम रिक्वेस्ट करके जो फाइल हमारा नाम है ना, HTML से हम रिक्वेस्ट करके लेकर आ रहे हैं, ठीक है. स्ट्रिंग पाथ कहाँ पे हम बनाएंगे, फाइल e:फाइल अपलोड. मैंने एक फोल्डर बनाया है इमें, इसमें स्लैश देखो और फॉरवर्ड स्लैश होता है. ओके, तो ये बैकवर्ड नहीं होता है, समझ है ना. सॉरी, बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड नहीं होगा, तो उल्टा होता है इसमें जनरली. देन पार्ट में वापस दिखाया तो ऐड जावा पार्ट को भी हम ऐड कर दिए, ठीक है. देन नाउ उसके बाद मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग फाइल नेम टू स्ट्रिंग, मुझे क्या करना है कि जो गेट सबमिटेड फाइल नेम, जो भी सबमिटेड फाइल नेम हमने फाइल नेम जो सबमिट किया है ना उसी को लेकर आना है, उसको फाइल नेम में स्टोर रख लेगा वो एक कंट्रोल भी। देखो इधर स्ट्रिंग को मैंने लिया एक फाइल नेम लिया फाइल पार्ट डॉट फाइल पार्ट, एक फाइल का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल पार्ट। देखो इधर गेट पार्ट करके लेकर आए हैं हमने, कहाँ से लाए हैं हम रिक्वेस्ट से गेट पार्ट करके जो फाइल से हम लेकर आए हैं। ओके तो ये हमारा जो फाइल हमने बनाया है कहाँ पे HTML में जो हम पाथ देंगे, मतलब जो भी हम उधर ब्राउज करके जो फाइल का पाथ देंगे ना वो वाला वो आ गया। देन फाइल नेम इक्वल टू गेट सबमिटेड फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग, जो फाइल पार्ट हमारा आया होगा ना तो गेट सबमिटेड फाइल नेम कन्वर्ट, जो सबमिट हम करना चाहते हैं उसका फाइल का पूरा का पूरा फाइल नेम उधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम डिस्प्ले कर देंगे कि हमारा फाइल जो हम देने वाले हैं वो क्या है, एक बार हम डिस्प्ले कर देंगे जो फाइल हमारा ये क्या आएगा जो हमारा ब्राउजर विंडो से जो आएगा वही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो मैंने बताया था हमारा फाइल हैंडलिंग के लिए दो लेना पड़ता है, एक आउटपुट स्ट्रीम और एक इनपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम में हमारा राइट होगा, इनपुट स्ट्रीम से रीड होगा। देन फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, देन हमारा कैच। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर फाइल नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। ओके तो ये हमारा ओके ठीक है। अब देखो आउटपुट में आया तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो जो एरर है ना पहले उसको क्लियर कर देंगे। इनपुट में भी कर दिया, ओएस फाइल आउटपुट इसी को भी java.io.file में कर दिया। आउटपुट स्ट्रीम इसको भी मैंने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। ओके अभी हो गया। अब हमारा ये हमारा वाइल ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये हमारा कैच ब्लॉक है। देन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन भी हमारा आ गया ऊपर। ठीक है, सब कुछ हो गया हमारा। और एरर नहीं है। क्लास मल्टीपार्ट कॉन्फ़िग है ना, क्लास के ऊपर मैं दे रही हूँ। ओके गया एरर, ठीक है अभी और एरर नहीं है। सेव कर दो फाइल को, सेव करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रन कर देंगे। सबमिट और रिसेट बटन, इसमें कहाँ गया सबमिट और रिसेट बटन, हमने नहीं लेकर आए तो उसी को भी हमें डालना पड़ेगा। सबमिट एंड सबमिट बटन नहीं डाले ना इधर। फॉर्म के बाद इनपुट टाइप हम डालेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। देन और क्या डालने वाले हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट, ये हम डाल दिया। ओके फॉर्म का क्लोज इधर हो गया है, इसको हम कट कर देते हैं, इधर हटा देते हैं इधर से, और इधर हम दे दिया। ओके हो गया। अब हमारा फाइल अपलोड ये सब हो गया। देखो इधर मैंने एक दिया ना, जैसे कि मैंने आउटपुट स्ट्रीम लिया, ओके इनपुट लिया, एक आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना दिया। न्यू फाइल पाथ, पाथ क्या है पता है, पाथ हमने जो दिया है पाथ, ओके पाथ कहाँ से, फाइल पाथ पाथ हमने लिया है। ओके देखो इधर स्ट्रिंग पाथ हमने लिया है, इधर पाथ प्लस फाइल सेपरेटर जो स्लैश आएगा। मैंने एक abc.txt करके एक टेक्स्ट फाइल बनाया है, उसको पहले मैं ब्लैंक आपको दिखा देती हूँ। देखो ये मैंने बनाया है एक फाइल अपलोड करके, देखो फोल्डर, एक फोल्डर मैंने बनाया फाइल अपलोड, ये बनाया, और इसी में मैंने abc करके एक बनाया, उससे मैंने उसमें कुछ डेटा है, पहले इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना। फाइल देन सेव। अब अभी देखो इधर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, हम इसमें अपलोड करेंगे। ओके तो मैंने क्या किया, वो जो फाइल में हम अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं ना, अपलोड डेटा करने वाले, उसी को मैंने मैंने फाइल उसका बना दिया, ठीक है, पहले से मैं बना कर रखी हूँ। ओके ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कोडिंग मैंने भी देखा था, तो मतलब बाकी के में बहुत एरर है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइल का जो नाम है ना हमें बनाना पड़ता है, नहीं तो बहुत एरर दिखाता है इसमें, ठीक है, याद रखो ये वाला। फिर हमने क्या किया कि एक फाइल पार्ट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम लेकर हमने उसका ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। जब ये रीड करते रहता है, कहाँ से रीड करेगा, ये जो हमने दिया ना इससे रीड करेगा। ये क्या है, जो ये फाइल है, जो फाइल पाथ हम दे रहे, जो इनपुट लेकर आए कहाँ से लेकर आए, गेट इनपुट स्ट्रीम, जो हम फाइल पहले से जो पाथ दिए थे फाइल पार्ट में। फाइल पार्ट कहाँ से आया है, जो हमने ब्राउज करके डेटा लाए हैं उधर से आया है, तो उसी को हमने क्या कर दिया, गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड यूज करके उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। इसमें जब ये रीड करते रहता है, जब तक नॉल नहीं होता है तब तक, फिर एक एक रीड करके ओएस में राइट करेगा। व्हाट इज योर ओएस, ओएस इज योर फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जो इसको कौन लिंक दिया गया है हमें, इसमें ये स्ट्रीम में हमारा कौन सा लिंक है, हमारा ये पाथ का लिंक है, जो पाथ हमने बनाया, खुद बनाया, इधर देखो इससे बनाया, एज वेल एज नेम ऑफ द फाइल जहाँ पे हमें डेटा रखना है, दैट इज योर आउटपुट स्ट्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो ये आप अच्छे से समझ लो कि पाथ क्या है, हमने जो जहाँ पे हम डालने वाले हैं, और ये हमने एक नया फाइल बनाया है जिसमें ब्लैंक है, जो हमारा डेटा है ना, हम जो ब्राउज करके जो डेटा ला कर आएंगे इसमें हमारा अपलोड हो जाएगा। ये हम काम करने वाले हैं। ओके देखते हैं, सेव कर दिया फाइल को, अभी रन करो, अभी आ गया। तो अब हम ब्राउज कर रहे हैं कौन सा डेटा हमें, जैसे मैंने लेट्स से असाइनमेंट 1 मैंने दिया, तो मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, यह आ गया फाइल। अब मैं सबमिट करूँगी, सबमिट कर दिया, देखो फाइल अपलोड सक्सेसफुली, असाइनमेंट टेक्स्ट हमारा जो ब्राउज करके लेकर आए थे वो अपलोड हो गया। पता कैसे चलेगा अपलोड हुआ कि नहीं, इधर तो मैसेज तो आ गया ना। अब हमें वापस हमारा फोल्डर में जाकर हमने जो पहले से फाइल अपलोड बनाया था और abc पाथ मैंने दे दिया था, देखो इसमें मैंने डेटा ब्लैंक कर दिया था, अभी आ गया, दैट मीन्स हमारा जो डेटा मैंने दिया था वो हमारा अपलोड हो गया। क्लियर हो गया ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मैंने ये देखने के बाद बहुत सारे मतलब एरर, जो कोडिंग पहले से जो दिया है वो बहुत कोडिंग में एरर है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से मतलब उसको क्लियर कर दिया। तो ये वाला पार्ट बहुत जन ये गलती करते हैं कि इधर क्या करते हैं, तो पूरा का पूरा पाथ लेकर आ जाते हैं, तो पूरा पाथ वो लेता है, C: जो पहला पाथ है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। सिर्फ हमें फाइल नेम, एक न्यू फाइल नेम का ज़रूरत है, या मैं क्या करूँगी, एक न्यू फाइल नेम बनाऊँगी, इधर फाइल f= न्यू फाइल, ब्रैकेट में नेम दूंगी, f को इसमें डाल सकती हूँ, तो ये मैं कर सकती हूँ मैं डायरेक्ट। इसलिए मैंने कर दिया क्या, जो हमारा ऑब्सोल्यूट पाथ, ऑब्सोल्यूट मतलब क्या, डायरेक्ट हम जो पता है वही दे दिया मैंने, तो वो मैंने डायरेक्ट दे दिया है। ओके तो ये वाला पार्ट आप ध्यान से देना, आप ये सब फॉलो करके करोगे ना, आपका अपलोड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके जो भी नया, अगर मेरे चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा देना, सो that you can get the important notification if I will upload any video. Okay, bye bye, thank you.